हे फिनेंसिंग व्यूअर्स, तो मार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ चुका है और इस बार हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी सर ने फिर से ऐलान किया है कि फ्लेक्सी फ्यूल्स का यूजेज को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर साफली बोल दिया गया है विद इन 6 मंथ पे जो हमारे व्हीकल्स आएगा वो फ्लेक्सी फ्यूल्स होना चाहिए, ई व्हीकल्स या फिर फ्लेक्सी फ्यूल्स मतलब बायोफ्यूल्स का यूसेज बढ़ाना चाहता है गवर्नमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे अगर टोटल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 98% का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है फॉसिल फ्यूल्स से और बाकी 2% का होता है बायोफ्यूल्स से, और इसका चाहते हैं गवर्नमेंट कि रैपिडली इंक्रीज हो बायोफ्यूल्स का यूसेज, ई व्हीकल सेगमेंट को और ज़्यादा क्विकली आना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये मतलब सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द ग्रो करना चाहता है, जिसके अकॉर्डिंग PLI स्कीम्स भी लाएंगे गवर्नमेंट, जो इंसेंटिव स्कीम होते हैं अगर अच्छा काम करोगे तो उसके लिए आपको इंसेंटिव गवर्नमेंट से डायरेक्टली मिलेगा, ऐसा स्कीम भी लाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है अगर हम देखें ऑलमोस्ट 90% का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जिस तरीके का डिमांड है हमारा फॉसिल फ्यूल का, वो 90% आता है आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर से इंपोर्ट होता है हमारे कंट्रीज़ पे, तो वो भी चाहेंगे कि घट जाए जल्द से जल्द। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान और बायोफ्यूल्स बनने वाला है फ्यूचर EV के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर हमें नज़र रखना चाहिए और किस रीजन्स पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं नितिन गडकरी ने किस तरीके का मैन्युफैक्चरर्स को कॉल कर दिया है, फ्लेक्सी फ्यूल्स व्हीकल्स और हाइब्रिड EVs चाहते हैं वो विद इन 6 मंथ, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो मूवमेंट आ रहा है वहाँ पर जिस तरीके से इफेक्ट आ रहा है एयर पोल्यूशन का वो घटाना चाहता है, ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है वो कम करना चाहता है, इसके रीजन्स पे वो चाहते हैं कि EVs आ जाए या फिर बायोफ्यूल्स फॉसिल फ्यूल को थोड़ा सा रिप्लेस करे। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पता है तो जो कार्बन मोनोक्साइड है उसका जो इफेक्ट होता है बायोफ्यूल्स में वो 20% लेस होता है, और अगर बताएं तो E20 नाम का एक बायोफ्यूल्स है जहाँ पर इथेनॉल ब्लेंड करके जो निकलता है उससे 30-50% तक का लेस कार्बन मोनोक्साइड मिलता है, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। और अगर बताएं ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस है ये बहुत ही पुराना प्रोसेस है, कोई नया प्रोसेस नहीं है, ब्राज़ील USA चाइना जैसे बड़े बड़े कंट्रीज इसको यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए, और आने वाले दिन बहुत सारे और कंट्रीज भी आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ शेयर्स हैं जिसका नाम मुझे बताना चाहिए जो आपको दिला सकता है अच्छा रिटर्न कुछ ही दिनों के अंदर या फिर कुछ महीनों के अंदर, और लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो रेणुका शुगर है हमारा पहला स्टॉक गाइस, अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 29.25 रुपीज़, और ये आज ही 3.54% का जंप दिया है। रेणुका शुगर का जो पिक करने का रीजन्स था उसके पीछे का रीजन्स है इसका जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का कैपेसिटी है वो 720 किलोलीटर पर डे है, जो कि इंडिया का 7% का है, इंडिया का टोटल जो कैपेसिटी इथेनॉल ब्लेंडिंग का उसका 7% है रेणुका शुगर देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और रेणुका शुगर का जो प्लानिंग है अक्टूबर 2022 तक इस कैपेसिटी को बनाना चाहता है 1450 किलोलीटर पर डे, ऑलमोस्ट डबल करना चाहता है रेणुका शुगर अपने कैपेसिटी को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और सेकेंड इंटरेस्टिंग चीज़ है रेणुका शुगर एक 100% सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है KBK केमिकल इंजीनियरिंग, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड बायोफ्यूल्स का जो प्लांट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जो भी इसी सेक्टर्स पे बिलोंग करता है, इसके रीजन्स पे यहाँ पर बेनिफिट्स इस कंपनी को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। सेकेंड हमारा जो स्टॉक है वो बलरामपुर चीनी मिल्स है गाइस, और इसका अभी करंट मार्केट प्राइस है 331.40 रुपीज़ का, और आज ही 1.95% का अच्छा प्रॉफिट दिलाया है अपने शेयर होल्डर्स को। और अगर हम बताएं इस कंपनी को पिक करने का रीज़न, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर मेकर है हमारे कंट्रीज़ का, और इसका जो 50% सेल्स जो ग्रो हुआ है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोसेस पे ही हुआ है, और अभी अगर इसका करेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग का कैपेसिटी बताया तो 520 किलोलीटर पर डे है, जो कंपनी का एक्सपेक्टेशन से दिसंबर 2022 तक वो है 840 किलोलीटर पर डे, मतलब स्लाइटली डबल, ये कंपनी भी चाहते हैं अपना ब्लेंडिंग प्रोसेस को डबल करना, तो लेट्स सी कितना कर पाता है। इस स्टॉक्स को भी आपको नज़र रखना है आने वाले दिनों के लिए गाइस।
हमारा थर्ड स्टॉक जो है गाइस वो है ISGC हैवी इंजीनियरिंग गाइस, और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 613.15 रुपीज, ऑलमोस्ट 6.31% का नेगेटिव रिटर्न दिया है आज ही। लेकिन आज इसको पिक करने का रीजन है जो वो है 13% का जो सेल्स ग्रोथ हुआ है वो जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर प्लांट से हुआ है, क्योंकि ये कंपनी प्लांट्स बनाते हैं और बेसिकली इनके जो ऑर्डर बुक है अगर देखिए तो 6765 करोड़ का ऑर्डर पड़ा है शुगर इंडस्ट्री से, जो कि इस कंपनी का 88% का ऑर्डर बुक है गाइस। तो चलो देख लेते हैं बलरामपुर चीनी का चार्ट, और यहाँ पर देख रहे हैं एक बॉक्स के अंदर ही है, ये बॉक्स जो ब्रेक कर देगा तब एक बहुत ही अच्छा रैली दे सकता है, लेकिन ये न्यूज़ शायद इम्पैक्ट डाल सकता है कल स्टॉक्स के ऊपर, तो इसके ऊपर नज़र रखना बिल्कुल चाहिए। और उसके साथ साथ मैंने खुद श्री रेणुका शुगर्स को बाय करके रखा है, तो उसका चार्ट तो मैं ही दिखाने वाला हूँ, और सैल्ट जो स्टॉक है उसका चार्ट चलो देखते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिखेगा चार्ट पे कि क्या हुआ था, ये शेयर बहुत अच्छा भागा था और उसके बाद आज ये शेयर रिटेस्ट मारने आया था और अपने सपोर्ट को रिटेस्ट किया है, तो कल से क्या यहाँ पर एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है, तो चलिए देखते हैं। गाइज आज के लिए इतना ही, इस न्यूज़ के बेसिस पे हमने जो काम किए थे, हमारे जो स्टडी था हमने यहाँ पर वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाना चाहा, इसीलिए वीडियो बनाया। ऊपर से बहुत सारे शेयर्स को मैंने अभी छोड़ दिए जो कि अच्छे हैं, जैसे प्राज इंडस्ट्री जो कि सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल ब्लेंड करते हैं, जो रीयूजेबल चीज़ें होते हैं ग्रेन्स जैसे जो फेंक दिया जाता है उसको यूज़ करके सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल ब्लेंड करता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजीज है। उसके साथ साथ कंपनीज लाइक ग्लोबल स्पिरिट जो कि लीकर मेकिंग पे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनियों में से एक है इंडिया का, उन सब कंपनीज को मैंने अभी नज़रअंदाज किया और इन तीनों को ही पकड़ा है। उसके साथ साथ त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी थी, लेकिन अभी इस तीनों को ही फोकस करते हैं और देखते हैं आने वाले दिन कौन कौन सा शेयर क्या कर सकता है। बेसिकली आपको कौन सा शेयर पसंद आए आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपने भी स्टडी किए हैं इस चीज़ पर और आपको कोई और शेयर अच्छा लगा है प्लीज़ उसका नाम भी हमारे साथ शेयर कीजिए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमें भी बताइए कि कौन कौन सा सेल्स अच्छा लगा आपको। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा देना कि आने वाला वीडियो जैसे मिस ना हो जाए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।